आठ सत्रह छब्बीस जो नंबर होते हैं ना, वो पैसा देते हैं। पैसा क्यों देते हैं, कैसे देते हैं? अगर हम न्यूमरोलॉजी पढ़ ही रहे हैं तो न्यूमरोलॉजी हम देख रहे हैं कि जब आठ नंबर रूल करेगा तो आपको पैसा देके जाता है। अब पैसा कहां से आता है, वो कहां से घुस गया बीच में? आठ नंबर शनि का, शनि किस चीज का लॉर्ड है? जजमेंट का, लॉजिक्स का। शनि किस चीज का लॉर्ड है? फोकस का, वो फोकस कराता है। लक्ष्मी क्या है, किस वर्ड से बनी है? लक्ष्य से। तो लक्ष्य से लक्ष्मी आती है, काम को फोकस करने से एग्जीक्यूशन होने का टाइम आ जाता है। और फोकस का लॉर्ड जो है, जो देवता है, देने वाला तत्व है, वो शनि है। तो अगर आपकी जन्म तारीख में आठ नंबर कहीं पे आ रहा है तो आपको अगर पैसा नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपके फोकस में कहीं पे इशू है। द मोमेंट आप फोकस करना शुरू करो तो डिफॉल्ट आपको रिजल्ट आ जाएंगे। आठ नंबर वाले इसलिए ध्यान में बड़ी जल्दी चले जाते हैं। शनि नाइन्थ हाउस में आ जाता है, हॉर्स्कोप में कहते हैं दरवेश होगा आदमी, साधु टाइप हो जाता है। जुपिटर साथ में आ जाए तो गारंटीड हो जाता है। सूरज आ जाए तो और श्योरिटी होती है कि हो जाता है, क्योंकि नाइन्थ हाउस धर्मा का, शनि डिफॉल्ट उसका पार्ट हो जाता है। जुपिटर आने से उसको विजडम वैसी वाली मिल जाती है। तो शनि ही एकमात्र ऐसा प्लैनेट है और आठ नंबर एकमात्र ऐसा नंबर है अगर आपके लाइफ में और जो आपके टाइमिंग इवेंट्स में जो हम न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं उनमें जब जब शनि का साल आएगा वो पैसा देखे जाता है। अब पैसे की डेफिनेशन डिफरेंट है। पैसे की डेफिनेशन क्या होती है, हम चार चीजें देखते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो जब आठ नंबर का साल आएगा वो आपका अर्थ और काम दोनों को एक्टिवेट कर देगा। अर्थ का मतलब हो गया फाइनेंशियली चीजें, और काम का मतलब हो गया वो जो पैसा है वो आपके लग्जरीज के ऊपर जाना। काम का मतलब लग्जरीज होता है सारा, हम एक चीज पे नहीं डाल सकते उसको। आपकी सुख सुविधाएं सारी काम के अंडर आती हैं, गाड़ियां खरीदना, व्हीकल खरीदने, पर्सेस लेने, कुछ भी जो आप लग्जरी में सोच सकते हो, क्योंकि आपकी इच्छाओं की पूर्ति आ जाती है उसमें। तो जब शनि का साल आता है, आठ नंबर का साल, आठ नंबर का महीना या आठ नंबर तारीख आएगी, और उस व्यक्ति का भी अगर ड्राइवर कंडक्टर में आठ कहीं आ रहा है, उसका जन्म आठ सत्रह छब्बीस का है, तो गारंटेड आएगा। उसको करना क्या है, उसको दो तीन चीजें करनी है। पहले नंबर पे अगर वो कर सके, एक तो एमेथिस्ट ब्रेसलेट डाले, क्योंकि उसके क्राउन को एक्टिवेट करेगा, उसको विजडम आ जाएगी मुझे काम किधर करना है, नंबर वन। नंबर टू, वो सात मुखी रुद्राक्ष डाले। सात मुखी जो रुद्राक्ष है वो उसकी लक्ष्मी को जनरेट करने में हेल्प करेगा, क्योंकि डिफॉल्ट लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता है। और तीसरे नंबर के ऊपर वो व्यक्ति ध्यान करना शुरू कर दे। ध्यान में कुछ नहीं करना, कहीं बैठ जाए घर में, कहीं बैठ जाए, और उस द मोमेंट वो बैठ जाएगा उसकी बॉडी अपने आप स्टेबल होनी शुरू हो जाएगी, उसका फोकस बढ़ जाएगा। हो सके तो जिस काम को उसने करना उसको तू मल्टीटास्कर मत बन, दस काम नहीं करने, एक ही काम करना कोई कर ले। अगर वो सिंगल काम के ऊपर फोकस करना शुरू कर देगा तो गारंटेड उसके पास पैसा आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता उसके पास पैसा ना आए। आप डेट ऑफ बर्थ उठा लो, आठ नंबर वाले जो होते हैं ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हैं और भी कई व्यक्ति, आप देखना, जब जब व्यक्ति की साढ़सती आई है किसी भी व्यक्ति की, या तो किसी अच्छे पद पे चला गया या वो बर्बाद हो गया। जिसने फोकस कर लिया वो किसी पद पे चला गया, या उसने बिजनेस को ग्रोथ दे दी, या उसने नई मार्केट्स ओपन कर ली। अगर वो फोकस नहीं है तो बर्बाद हो गया, क्योंकि वो सिर्फ क्रिब करता रहा, वो अपने पोटेंशियल पे नहीं गया। तो आठ सत्रह छब्बीस वाले लकी होते हैं, सिर्फ डिपेंड ये करता है कि आप उसका उस फोकस का फायदा किधर लेते हो। किसी को माँ स्वादी, किसी को बैबादी, माँ की दाल होती है, कोई खाता उसको बड़ी टेस्टी लगती है कि वाह कितनी अच्छी बनी है, किसी के गैस बन जाती है। बात फोकस की, आपके सिस्टम इंटरनल सिस्टम की है। तो ये तीन चार आप रेमेडीज करिए। द मोमेंट आप रुद्राक्ष डालेंगे तो रुद्राक्ष की मैं एक सीरीज बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा रुद्राक्ष एग्जैक्टली काम कैसे करते हैं। लेकिन सात मुखी डायरेक्ट पैसा देगा, एमेथिस्ट उसके क्राउन चक्र को एक्टिवेट करके एटलीस्ट उसको विजडम देगा कि मुझे फोकस किधर करना है। और जब वो खुद अपनी फिजिकल बॉडी को बिठाएगा तो उसकी जो एनर्जीज हैं अपने आप ब्लाइंड होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि शनि टिकाव का भी ठहराव का भी मालिक है। वो कहता ठहरो और देखो रिजल्ट लो।